सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि एंड यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है कि आज सुबह को आप बोल सकते हैं ये बात हो रहा था कि आज ही WBJEE का रिजल्ट निकल जाएगा और दोपहर तक WBJEE 2020 का रिजल्ट आउट हो चुका था। उसके बाद जो जो स्टूडेंट्स अपना रैंक देख चुके हैं, जिनका बहुत ही बुरा रैंक आया है वो भी, एंड जिनका अच्छा रैंक आया है वो भी, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया इतना रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा, ये रैंक पे क्या कॉलेज मिलेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा है WBJEE 2020 रैंक वर्सेस कॉलेज एक वीडियो बनाऊं, ताकि आपको एक गेस हो जाए कि कितना रैंक आने से आपको कितना कितना अच्छा कॉलेजेस या फिर क्या कॉलेजेस आपको मिल सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जो मेनली रिनाउंड कॉलेज है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक वेब जी स्टूडेंट्स के लिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वन बाई वन जान लेते हैं। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, जो जो अच्छा अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको 1500 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। मैं मेनली जो अच्छा अच्छा ब्रांचेस है वो ब्रांच का बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई कोई हर एक यूनिवर्सिटी में कोई कोई ऐसा ब्रांच आपको मिलेगा जहाँ पर अगर बहुत ही खराब रैंक आया है फिर भी आप जा पाएंगे, पर वो सब ब्रांच के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मेनली जो चार पाँच ब्रांच हम लोग मेन मतलब फोकस रखते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सीएससी, आईटी, ईसी हो गया, ये जो पांच ब्रांच है जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे मेन फोकस में रखते हैं, ये ब्रांचेस का मैं बात कर रहा हूं। तो जादवपुर के लिए आपको 1500 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। अगर आपको कैलकट यूनिवर्सिटी या फिर KGSE चाहिए, मतलब जो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको अगर चाहिए, तो आपको आप बोल सकते हैं 2500 से 2700 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा, अंडर 2500 टू आप बोल सकते हैं 2700। नेक्स्ट, मैकआउट अगर आपको चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, ये अगर आपको चाहिए तो अंडर 5000 आपको रैंक रखना पड़ेगा। अगर JGSE चाहिए, मतलब जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसको अगर आपको चाहिए, तो 7500 से 8000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा, अगर जो मेन पांच ब्रांच है उसके अंदर आपको चाहिए। नेक्स्ट, जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेनली अगर प्राइवेट कॉलेजेस का बात किया जाए तो IIM अगर आपको चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो आपको रैंक रखना पड़ेगा विद इन 6000। मतलब क्या हुआ, अगर आपको सीएससी, ईसी, आईटी चाहिए तो उससे कम तो रखना पड़ेगा, पर मेन जो पांच ब्रांचेस है सीएससी, आईटी, ईसी, डबल ई मैकेनिकल, ये पांच ब्रांचेस के अंदर अगर आप देखें तो विद इन अगर 6000 आप रैंक रखें तो इसमें कोई भी एक ब्रांच आपको मिल सकता है। पर पर्टिकुलरली अगर सीएससी, ईसी, आईटी आपको चाहिए तो विद इन 4000 आपको रैंक रखना पड़ेगा, ताकि आपको सीएससी, आईटी, ईसी मिल जाए। सीएससी के लिए थोड़ा कम, सारा यूनिवर्सिटी सारा कॉलेजेस के लिए होता है, पर अगर ये तीनों में से आपको कोई एक चाहिए तो विद इन 4000 आपको रैंक रखना पड़ेगा। अब हेरिटेज के बात में आते हैं। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि HITK, तो हेरिटेज में अगर आपको जाना है तो विद इन 10K मतलब आपको रैंक रखना पड़ेगा। 10000 के बीच पे अगर आप रैंक रखें तो आपको हेरिटेज मिल सकता है, पर वहां पे अगर सीएससी, आईटी चाहिए तो विद इन 6000 आपको रैंक रखना पड़ेगा, ताकि आपको सीएससी या फिर आईटी के बीच में मिले। नेक्स्ट आते हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हल्दिया है HIT, वो HIT में अगर आपको जाना है तो अंडर 30000 के अंदर आपको रैंक रखना है। 30000 के अंदर अगर आप रैंक रखें तो आपको हल्दिया मिल सकता है, पर सीएससी, आईटी अगर आपको चाहिए तो 13K के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। 13K मतलब 13K, उसके अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा अगर हल्दिया में सीएससी, आईटी या फिर ईसी आपको चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक, जो है टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक पे अगर आपको जाना है तो विद इन 16-17 के आपको रैंक रखना पड़ेगा, ताकि आपको टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक पे जगह मिले। वहाँ पे अगर आपको सीएससी या आईटी चाहिए तो आपको रैंक रखना पड़ेगा विद इन 7K। अगर आपके पास 7000 से 8000 के बीच पे रैंक है या फिर 9000 तक भी कभी कभी जाता है तो आपको सीएससी, आईटी मिल सकता है टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक पे। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे आप पकड़ सकते हैं नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, RCC हो गया, MSIT हो गया, तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो विद इन 40000 अगर आपका रैंक है तो आपको मिल सकता है, पर CSE, IIT के लिए थोड़ा कम रैंक आपको रखना पड़ता है। तो ये जो एवरेज मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे जो लिख के रखा है, मैंने वन बाय वन मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया, ये वीडियो पॉज करके आप हर एक चीज लिख के रख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, तो वन बाय वन वो चीज आप लिख के रख सकते हैं। जादवपुर का, CU का, KGSE, मैकआउट, JGSE, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, जो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है।
उसके बाद जो जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे पकड़ लीजिए IIM, HITK, HIT, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक, NSEC, RCC, उसके बाद MSIT, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया कि कितना रैंक आने से आपको क्या क्या कॉलेज मिल सकता है। तो मुझे लगता है आपका रैंक के अनुसार आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये आपको एक अब पता चल रहा है। पर ये सब कॉलेज का रिव्यू भी मैं वन बाय वन लाऊंगा, जो जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जो जो आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सभी का आपको रिव्यू वन बाय वन मिलेगा। फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल में आ रहे हैं, तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट का इससे भी ज्यादा रैंक आया है, मोर देन 30,000, मोर देन 40,000, तो वो स्टूडेंट्स का एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज में जाना हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाए। तो वो स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन से आप बोल सकते हैं कोई भी अच्छा कॉलेज में जा सकते हैं, क्योंकि हर एक प्राइवेट कॉलेज में 10% मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस में जहां पे आपका रैंक बहुत ही अच्छा नहीं आया है, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपका इच्छा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वो जेन्युइन एक आप बोल सकते हैं कॉलेज सजेस्ट नाम का एक ग्रुप है, वो आपको एडमिशन करवा सकते हैं अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस पे, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है या फिर फोन नंबर्स दिया है, वहां पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके साथ, वो आपका एडमिशन में हेल्प करवा सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, मैंने सोचा डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए ये कॉलेजेस के बारे में एंड रैंक्स एंड आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। और क्या फ्यूचर में वीडियो चाहिए वेबजी रिलेटेड, मुझे कमेंट करके मस्त बताना। वीडियो अच्छा लगता कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एडुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को यही पेंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।